ओम शांति। आज मीठे मीठे बाबा हम मीठे सिकिलदे बच्चों को बताते हैं कि बाबा सिकिलदा क्यों कहते हैं हमें। देखो, कोई चीज अगर हमें बहुत तड़प तड़प के सिख सिख के मिल रही है तो उसकी वैल्यू होती है बहुत। तो बाबा कहते हैं हम बच्चे भी बाबा को 5000 वर्ष के बाद में सिख सिख के मिले हैं, अर्थात के 5000 वर्ष के लंबे समय के बाद में मिले हैं। तो बाबा कितना प्यार और दुलार देते हैं हमें, इसलिए रोज बाबा हमें मुरली में डेली मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति फिर हमें याद प्यार देते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि एक चीज हमें यहाँ से लेकर जानी है। सत्युग में कोई करेंसी नहीं होती ना, बार्टर सिस्टम होता है। तो बाबा कहते हैं अभी से हमें ये गुण सीखना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज करते हैं, दैट इज बार्टर सिस्टम। अर्थात कि अपने अंदर जो भी कखपन है, खामियां हैं, या जो कुछ भी मैं मेरा समझ रही थी वो अभी किसका है, सब कुछ बाप का है। तो ये सबसे बड़ा व्यापार है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि इस समय ड्रामा का ज्ञान हमें कौन सी मदद करता है। तो विशेष जब शरीर की कोई भी बीमारी होती है तो हम अभी समझते हैं कि ये तो हुबहू हर कल्प रिपीट होना है, मेरा ही हिसाब किताब है ना, कई जन्मों से जो मेरे द्वारा जाने अनजाने में पाप हुए हैं उसको मुझे रिटर्न तो करना होगा ना, चुकतू तो करना होगा। जिस किसी को दुख दिया होगा तो वो विथ इंटरेस्ट हमें देगा, तो वो हम अभी खुशी खुशी ले कि चलो अच्छा है, ये मेरा हिसाब किताब पूर्ण हो रहा है। तो जितना ये ज्ञान अंदर ही अंदर टपकता रहेगा ना कि अच्छा है, ये हिसाब किताब पूरा हो रहा है, जितना ज्ञान को यथार्थ समझते हैं और योग की परिपक्व अवस्था होती है तो बीमारियां हो या कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए वो हमें डामाडोल नहीं कर सकती है। आज बाबा विशेष हमें कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। जैसे ही आंख खुले ना, पहला संकल्प मन में आए गुड मॉर्निंग बाबा, मीठा बाबा, थैंक यू ना, इतना जिगरी हो हमारा। जब सुबह में उठते ना बाबा से इतना प्यार से हम गुड मॉर्निंग करें कि हम जब बाबा की याद में बैठ जाए ना एकदम जैसे आंखों में से आंसू निकल आए, इतना प्यार से उसे याद करें। देखिए, जिससे हमें स्नेह होता है वो बहुत समय बाद में मिलता है, प्रेम के आंसू निकल आते हैं ना, खुशी के आंसू होते हैं वो। तो बाबा स्वयं भगवान हमें मिला है, भक्ति में हमने कितने वायदे किए थे कि आप मिल जाओगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जब अभी स्वयं भगवान हमें मिल गया है तो हमारी आंख खुलते ही पहला संकल्प बाबा से प्यार भरा गुड मॉर्निंग और उसकी याद में एकदम समा आ जाए। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भुला हुआ हो। दूसरी बात बाबा विशेष कहते हैं, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। जितना हम इनको अभी देंगे ना वो हमारा हिसाब किताब और बनेगा। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, जो नेगेटिव पहले का हो चुका है वो खुशी खुशी से चुकतू करना है, पर अभी बढ़ाना नहीं है, रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। सब कुछ बाबा का है ना। अगर देखो जो ट्रस्टी होता है ना उसको पता है ट्रस्ट का नुकसान हुआ है तो भी वो सोचेगा ये तो ट्रस्ट का है ना, मैं केवल संभाल रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर कुछ शरीर को बीमारी के रूप में छोटा मोटा हिसाब किताब चुकतू करना भी पड़ रहा है, या हम उसको बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना तो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगती है, और जब डिटैच होता है ना तो बहुत बड़ी चीज होती है ना वो भी छोटी लगती है कि चलो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी हमें बिल्कुल पूरी तरह से बाप पर न्योछावर हो जाना है। आज बाबा हमें विशेष वरदान दे रहे हैं, हम दिल से इस वरदान को स्वीकार करें। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने, अपने स्वचिंतन में रहे। कोई सुना भी दे ना, झरमुई जगमुई करे, परंतु हमारा ध्यान उसकी तरफ न हो। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। कोई सुना भी रहा है, हम अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाएं कि हमारे अंदर वो संकल्प
रिंचक मात्र भी अंदर समावेश न करे। देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। है ना, कोई सुना रहा है अपना दुख तो बाबा कहते हैं जहां तक हो सका हम उसका कल्याण करें, फुल स्टॉप लगाएं और कल्याण की भावना रखें सामने वाले के प्रति। बाबा कहते हैं अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। हमारा जीवन ऐसा संतुष्ट और खुशनुमा हो कि जीवन के हर कदम में जो भी हम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेवा का रूप ले ले, तभी हम सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। तो आज बहुत ही प्यार से मीठे मीठे बाबा की याद में समा जाएं, मस्तक के बीच चमकती हुई मैं सफेद चमकती हुई मणि पहुंच जाती हूँ बाबा की याद में, सूक्ष्म वतन में। बाप दादा से दिल से अपने मन की हर एक बात शेयर करती हूँ। मीठे बाबा को कहती हूँ बाबा मैं कितनी न लकीएस्ट लकी आत्मा हूँ, स्वयं आपने मुझे पसंद किया है, मैं भगवान की पसंद हूँ। जब आपने मुझे पसंद किया है बाबा तो जरूर मेरे अंदर कोई ऐसा गुण छुपा हुआ है जिसे मुझे और तराशना है और जितना ज्यादा हो सके उतना आपकी सेवा में लगाना है। स्वयं को टटोलें, पहचाने अपने अंदर के उस गुण को जिसे मुझे अभी सेवा में पूर्ण समर्पण करना है। सोचें कि बाबा ने मेरे से क्या क्या आशाएं रखी है, 5000 वर्ष बाद मैं बाबा से मिली हूँ। मैंने तो कई हिसाब किताब बनाए, कई आत्माओं से मिली, 84 जन्म में अनेक रंग रूप नाम के साथ में अनेक हिसाब किताब बनाए, परंतु शिव बाबा तो मेरे लिए रुका था। पूरे एक कल्प बाद बाबा मुझे वापस मिला है और बाबा को मैं मिली हूँ। तो मैं कितना न बाबा का सिकिलदा बच्चा हूँ और मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो आशा अपेक्षा बाबा ने मुझसे रखी है क्या मैं उस पर परिपूर्ण हो रही हूँ। मुझे स्वयं को चेक करना है और चेंज करना है, स्वयं को पूर्ण रूप से पहचानना है कि बाबा ने जो विशेषता मेरे अंदर देखी और मुझे चुना, ये विशेषता भगवान की देन है और जितना इसे मैं सेवा में लगाऊंगी उतना ये बढ़ता जाएगा और बाबा की प्यार का पालना का रिटर्न भी दे पाऊंगी।
बाप दादा से प्यार भरी दृष्टि लेते हुए बाबा से वायदा करती हूँ कि बाबा जो कुछ भी हुआ आज मैं उसे पूर्ण रूप से कल्याण के रूप में दिल में उतार रही हूँ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। स्वयं के स्वचिंतन में इतना बिजी हो जाऊं कि पर चिंतन के लिए मेरे पास समय ही न हो। बिल्कुल पर चिंतन मुक्त आत्मा, स्वचिंतन से परिपूर्ण, केवल बाप को सुनने वाली, उस बाप के साथ बैठने वाली, बाप के साथ चलने वाली, मन ही मन सभी बातें बाप से शेयर करने वाली, मैं आपका सिकिलदा लाल हूँ। बाप दादा की प्यार भरी दृष्टि लेते लेते बाबा को दिल से धन्यवाद करते हुए मैं सूक्ष्म वतन से नीचे स्वयं को पुनः इस साकार दुनिया में साकार शरीर में अनुभव करती हूँ। ओम शांति।